हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। और मेरे यूट्यूब चैनल पूजा सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ससुराल वाला दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट की हूँ आज, रक्षाबंधन के अगले दिन आज स्टार्ट की हूँ। कल रक्षाबंधन वाला ब्लॉग्स आप लोग बहुत ज़्यादा देखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज रक्षाबंधन बीत चुका है और मैंने सोचा कि कुछ कुछ घर वगैरह कुछ कुछ दिखाती हूँ। तो ये मेरा रूम से इधर गैलरी है, यहाँ पे कपड़ा वपड़ा फैलाने के लिए अभी थोड़ा बारिश का मौसम है तो बस बांधी हुई हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ से स्टेशन दिखता है मेरे खिड़की से। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राधे इंतज़ार कर रही है खिड़की पर खड़ा होकर। किसका इंतजार कर रही हो राधिया? पापा का इंतजार कर रही हो। हाई फ्रेंड्स बोलो लिपस्टिक। हाँ, और कितना सारा लिपस्टिक लगाई हो? और फिर यहाँ से हॉल है बाहर जाने के लिए, और उसके बाद सारे लोग का उधर ही रूम है, और फिर आगे किचन है। तो अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है, और पहले मैं राधिया को चुप कराती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो ये हॉल से ही रास्ता है छत पे जाने का, तो राधिया को मैं छत पे भी रो रही है तो लेके जा रही हूँ। तो चलिए मैं अपना छत पहले दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, आ ये है हमारा पूजा रूम। मैं पूजा रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारा पूजा रूम है। राधिया नमो करो। छोड़ दो छोड़ दो। तो ये हमारा पूजा रूम है, और दो रूम ऊपर भी है। एक इसमें देवरानी रहती है, अभी है नहीं, वो भी बाहर रहती है। और यहाँ एक रूम है बुआ जी का। और फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो राधिया देखिए पूजा करने बैठ गए। चलो चलो तो छत दिखा के आते हैं, चलो पापा को देख के आते हैं छत से। चलो आ जाओ। तो ये है हमारा छत, और छत ऊपर से देखिए ऐसे बना हुआ है, ढका हुआ है। और यहाँ भी धजा बाबा है, यहाँ भी हम लोग पूजा करते हैं। एक सीलिंग है और धजा बाबा है, तो यहाँ भी पूजा होता है। और नॉन वेज के लिए यहाँ पे गैस वगैरह रखा हुआ है। यहाँ नॉन वेज अलग बनता है, अलग ही ऊपर ही बनता है, और फिर उधर नल वगैरह है तो उधर ही खा पी लेते हैं, छत पे ही खाते हैं लोग जब बनता है तो। और ये देखिए यहाँ नॉन वेज इस साइड बनता है। तो हमारे नीचे भी दो किचन है, और ऊपर नॉन वेज के लिए रखा हुआ है। और ये देखिए हमारा छत इधर जाने का फ्रंट में, दिखाती हूँ। स्टेशन एकदम हमारे घर से नज़दीक। आ जाओ राधे आ जाओ। तो मैं सोची चलो देखिए इधर, और यहाँ से स्टेशन दिखता है हमारा घर से। ये देखिए कितना नज़दीक है स्टेशन। झूला झूले गया था तो बाद में झूलना। तो हमारे जो चाचा ससुर हैं वो छत पे ही थे, तो वो आराध्या को झूला झूला रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम जाओ मैं झूला झूला देता हूँ। तो बस आराध्या झूला झूलेगी तो थोड़ा देर चुप रहेगी, और उसको झूला झूल के ही चुप करा सकते हैं। और यहाँ छत देख सकते हैं, छत कितना अच्छा है। यहाँ हम लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, या फिर शाम में अपना घूमते फिरते हैं। बिल्कुल भी बारिश वगैरह नहीं आता है, ऊपर से ढका हुआ है, और कपड़ा भी साइड साइड ऐसे जो रस्सी बना हुआ है उस पर कपड़ा भी हमारा सूख जाता है। तो ये छत हो गया, छत पे दो रूम है। और तो फ्रेंड्स हो चुका है दोपहर, और दोपहर के खाने में हम लोग लग गए हैं बनाने में। और आज बहुत ही स्पेशल स्पेशल चीज़ बनने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरा, यहाँ दिखा रही हूँ मैं किचन, यहाँ दो किचन है, एक सामने भी उधर किचन है और एक ये किचन है। तो यहाँ चावल दाल बनना स्टार्ट हो गया है, और चावल दाल के साथ आज एक अलग तरह का ही पकौड़ी बनने वाला है। चलिए मैं आप लोगों को झटपट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ बेसन को हम लोग सब कुछ डाल के, मसाला वगैरह डाल के, और थोड़ा मतलब
गाढ़ा ही घोल लिए हैं, घोलना नहीं बोल सकते, सान लिए एक तरह से, मतलब बहुत गाढ़ा गाढ़ा ही। और बेसन में सारे मसाले और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और चावल का भी पाउडर डाले हैं ताकि थोड़ा क्रंची हो। तो ये अरबी का पत्ता है और हम लोग इसको रेकवंच का ही पत्ता बोलते हैं अपने बोलचाल के भाषा में। तो इसका हम लोग इसको कैसे मोड़ के उबालते हैं वो मैं दिखा रही हूँ, कैसे इसको फोल्ड करते हैं। तो ये देखिए मेरी फुआ सास इसको अच्छे से इसमें मसाले कैसे लगा रही हैं और कैसे इसको एक पे एक चिपका रही हैं, कम से कम 10-12 एक साथ चिपका के, और उसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसको भाप पे उबालते हैं कुकर में। तो यहाँ वही लोग बनाई हैं, बस मैं इसको तली हूँ इस वजह से मैंने पूरा रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बस आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसको कैसे फोल्ड करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिनको नहीं जानकारी रहता है, एक्चुअली मुझे भी शादी के पहले इसका जानकारी नहीं था कि ये कैसे फोल्ड होता है, लेकिन देखते देखते मैं सीख गई हूँ। अभी अकेले मैं कभी ऐसे बनाई नहीं हूँ, पर मुझे देखते देखते एक आइडिया हो गया है। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी आई होप पसंद आएगा। ये देखिए इसको साइड से ऐसे ऐसे मोड़ देना है, उसके बाद इसको बहुत ही सख्ती से, मतलब टाइट हाथ से इसको ऐसे मोड़ना है, और मोड़ने के बाद इसको एक धागे से बांध देना है, और उसके बाद इसको हम भाप पे बॉयल करना है ऐसे ही 2-3-4 जितना बनाना चाहते हैं उतना बनाना है। तो यहाँ बॉयल हो गया है भाप पे, और उसके बाद उसको ऐसे गोल गोल पीस काट देना है, मोटा मोटा, ज़्यादा पतला नहीं। आप लोग जितना देख रहे हैं उतना ही मोटा काटना है, इतना मोटा मोटा कटा चुका है हमारा। और इसको निम्न फ्लेम पे तलना है पूरा लाल होने तक। तो हम लोग इसका पकौड़ी ही, ज़्यादातर हमारे यहाँ पकौड़ी ही सब कोई पसंद करता है। तो ये देखिए हमारा तला भी गया है, और धीरे धीरे मैं सारे रेकवच यानी अरबी के पत्ते को मैं तलूंगी। और ये बच्चे लोग के लिए मैं आलू चप बना रही हूँ, क्योंकि वो लोग नहीं खा पाएंगे इसलिए। तो सारा तैयारी सासू माँ लोग कर चुकी हैं, और बस मुझे छानने का ड्यूटी मिला है, क्योंकि मुझे अच्छे से ये वाला आता नहीं था, इसलिए वही लोग उसको बांध दिए और उबाल दी हैं। कैसे कैसे उबाली हैं वो सब मैं बता देती हूँ उसको। हाय, और आरब के लिए चॉप बन रहा है आलू चॉप, क्योंकि वो वाला वो खाएगा नहीं, रेकॉच वाला, तो बस आलू चॉप बन रहा है। देख सकते हैं कितना क्रंची है या कितना यम्मी है। इसको कुकर में एक बर्तन रख के और भाप पे इसको उबाला जाता है 4-5 सीटी लगाने से, डायरेक्ट नहीं रखना है, एक बर्तन रख के उसमें रखना है, उसको इसको भाप पे उबालना है। और ये देखिए कितना क्रंची, कितना यम्मी यम्मी बना है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं जब भी आती हूँ, मम्मी जी बनाती हैं और वो लोग ही बनाती हैं, और मैं बस मुझे भी आता है, पर वो लोग ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं इसलिए वही लोग बनाते हैं। तो मैं छानने का ड्यूटी मिला है, तो मैं इसको छान लूँगी। वो लोगों ने कि हम लोग सब कुछ कर देंगे, बस तुम छान देना, क्योंकि छाने बहुत टाइम लगता है। तो खाना पूरा बन चुका है, अब ये छनाएगा, तो सबको लंच कराऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग्स में लगातार आप लोग बने रहिए। पहले आलू को आलू चप बना के मैं दे दूँ, और इसके बाद इसको थोड़ा टाइम लगता है, धीमे आज पे आराम से छानना है, बहुत ज़्यादा क्रंची रहता है। इसको सब्जी हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ पकौड़ी खाते हैं, हमारे यहाँ सब कोई पकौड़ी ही पसंद करता है इसका। इसका सब्जी भी बनता है ग्रेवी में। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। ये है मेरा किचन। आराम मत करो बदमाशी, हाँ हाँ जाओ रख दो। तो ये लोग बस शरारत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और मुझे भी थोड़ा आराम लगता है यहाँ आके। कुछ काम हो रहा है, कुछ कम रहता है, सब मिलजुल के काम करता है, मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देता है लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ब्लॉग्स में लगातार बने रहिए। तो यहाँ मैंने सारे अरबी के जो पकौड़े होते हैं उसको, सारे पकौड़े को एक एक करके तल दी हूँ, और उसको निम्न फ्लेम पे ही तलना है ताकि क्रंची हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये मेरा हो गया काम, और ये है रात का वीडियो। यहाँ पे हो रहा है सावन के बाद पहला चिकन पार्टी, और छत पे ही हम लोग खा रहे हैं। तो बस मैं थोड़ा बहुत लाइट कम था इस वजह से अच्छे से वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा बहुत वीडियो ले ली। तो यहाँ देखिए हमारा रोटी है, सलाद है, चावल है और चिकन, तो सब कोई हम लोग एक साथ खा रहे हैं। और आप लोग जैसा देख रहे हैं, आराध्या भी खा रही है, आरब भी खा रहा है, सब कोई साथ में खा रहे हैं। हम लोग छत पे ही ज़्यादातर खाते हैं, और यहीं पे बर्तन वगैरह सब कुछ छत पे ही, मैंने जैसे बताया था कि धुला जाता है। तो ये देखिए
आराध्या कितने अच्छे से डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रही है, और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद हम लोग चिकन खाए हैं, एक महीना बाद, तो काफ़ी अच्छा बना भी था। और यहाँ हम लोग का हो रहा है ये सावन के बाद पहला चिकन पार्टी। तो आई होप आज के वीडियो में आप लोग एंजॉय किए होंगे, पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ आराध्या को देख लीजिए कैसे कभी रोटी कभी चावल और कभी चिकन ऐसे। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर हो चुका है और अभी हम लोग छत पे ही, अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि छत पे ही नॉनवेज वगैरह बनता है, तो छत पे ही खाते हैं और वहीं पे बस बर्तन वगैरह रखा जाता है। तो और सुबह में मासी आती हैं बर्तन धोने के लिए, तो वो छत पे जाके धो देती है नॉनवेज वाला, वेज वाला नीचे धुलाता है। तो बस हमारा अभी थोड़ा ऊपर अंधेरा था लेकिन हवा बहुत अच्छा चल रहा था और टेबल वगैरह सब कुछ वहीं पे है, तो हम लोग वहीं पे खा लेते हैं और लाइट जला के तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ खा के। काफ़ी टाइम बाद हम लोग नॉनवेज भी खाए हैं सावन सावन में, तो अभी बहुत बहुत दिन से सावन, एक महीना से तो सावन ही था, तो उसके पहले ही खाए थे लोग। और बस आज सावन के बाद आज पहला हमारा चिकन पार्टी हो गया और बहुत अच्छा लगा सबके साथ खा के। और लंच, ये लंच में तो आप लोग देखे ही वो लंच अरवी का जो पत्ता होता है उसका पकौड़ी बना था स्पेशल वाला, तो वो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थोड़ा बहुत। और वो तो मैंने ही बनाई थी इसलिए मैं पूरा नहीं लेकिन पूरा बता दी हूँ, लेकिन मैंने जितना रेसिपी शेयर करना था थोड़ा बहुत मैं भी सोची कि शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ देखिए आराध्या का काम, क्या कर रही हो आराध्या? तो आराध्या बस काम में लगी है और सबका काम हो चुका है और बस बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत देखूंगी। और आराध्या अभी खाई नहीं है, थोड़ा बहुत खाई है सबके साथ और आरव भी थोड़ा बहुत सबके साथ ही खा लिया, आज उन लोगों का डिनर एक ही साथ हो गया सबका एक ही साथ। तो बस मैं किचन में आई हूँ, थोड़ा बहुत काम है निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग्स मैं यहीं एंड कर देती हूँ, कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग्स में, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर चैनल में आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का रेसिपी आज का ब्लॉग्स आप लोग को कैसा लगा। चलिए कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग्स में, जय माता दी।